और बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी आज एक बार फिर से पूछताछ शुरू करेगी। कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मिलने के बाद पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर से कोलकाता लाया गया। पार्थ चटर्जी का एम्स भुवनेश्वर में स्वास्थ्य की जांच कराई गई थी, जिसमें ये पाया गया कि वो पूरी तरीके से ठीक है। सोर्सेस की माने तो ईडी को अर्पिता से कई ऐसी अहम बातें पता चली हैं जिनका पार्थ चटर्जी को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। 21 करोड़ के नोटों का पहाड़, ममता बनर्जी के मंत्री और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी। अब पूरे घोटाले की परतें खुलनी शुरू हो रही है। अब एक लाल डायरी ईडी के हाथ लगी है, यही डायरी सारा सच सामने लेकर आएगी। सूत्रों की माने तो ईडी की टीम को जिस तरह से इस मामले में लीड मिल रही है, अगर वो सही साबित हुआ तो पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला देश के इतिहास में सबसे बड़ा रिश्वत कांड साबित हो सकता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ईडी को तफ्तीश के दौरान दो डायरी समेत कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें रिश्वतखोरी की पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मौजूद है। जबकि इसके अलावा ग्रुप डी स्टाफ की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज भी पार्था चटर्जी के घर से बरामद हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ में ईडी के सामने कई ऐसे राज उगल दिए हैं जिसकी जद में पश्चिम बंगाल सरकार के कई और रसूखदार लोग आ सकते हैं। वहीं पार्था चटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मिलने के बाद पार्था और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से ईडी आज से अगले राउंड की पूछताछ शुरू करने जा रही है। विशेष अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन की ही हिरासत मंजूर की। इसी के साथ हर 48 घंटे में मेडिकल चेकअप के लिए भी कहा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।